ये देखिए दोस्तों, ये इंडियन स्टाइल होममेड पिज़्ज़ा है, घर में बनाया हुआ सूजी और पोहे से बना हुआ पिज़्ज़ा। अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल पेट के खजाना को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे एक लाइक का बटन है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। गुड मॉर्निंग दोस्तों, ये देखिए आज एक कटोरी सूजी, एक कटोरी पोहा और आलू, कड़ी पत्ता, टमाटर, प्याज और दो हरी मिर्च से एक बढ़िया रेसिपी बनाने जा रहे हैं। आइए आप लोगों को दिखाते हैं। सबसे पहले टमाटर को, ये आलू को और प्याज को छील लेते हैं, उसके बाद में फिर बताते हैं आगे देखिए क्या हो क्या कैसे कैसे हम लोग बना रहे हैं। ये देखिए दही में सूजी, एक कटोरी जो सूजी निकाली थी वो, और चूड़ा, दोनों को अच्छे से उसमें भिगो देना है। इसमें जो है स्वादानुसार नमक डाल दीजिए, थोड़ा सा बेकिंग सोडा डाल दीजिए, एक चुटकी हल्दी और थोड़ी सी हल्दी डाल दीजिए। और इसको अच्छे से जो है मिक्स कर लीजिए। और इसको 10 मिनट्स के लिए ऐसे ही छोड़ दीजिए, जिससे कि सूजी जो है थोड़ा फूल जाएगी और चूड़ा भी अच्छे से भीग जाएगा। मिर्चा अदरक का पेस्ट, और इसमें जो है थोड़ा सा लहसुन मिर्चा और अदरक का पेस्ट डाल दीजिए। ये हम लोगों ने पेस्ट बना करके थोड़ा सा रखा है, तो अपने हिसाब से आप डाल लीजिए क्या आपको कितना कड़वा खाना है, और इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए इसी में ही। तो ये देखिए, हमने कढ़ाई में पानी रख करके उसके ऊपर से एक जालीदार जो है बर्तन रख दिया है। अब इसमें हम लोग, और ये देखिए मम्मी ने अब इसमें जो है तेल लगा दिया एक कंटेनर में, और इसमें अब ये पूरा बैटर जो है इसको पलट लेंगे इसमें। और जो हमने टमाटर, आलू और वो सब कुछ पीसा था उसको जो है सब कुछ इसमें मिक्स कर लेंगे, सूजी और उसके चूड़ा के बैटर में। और अब इसको फिर यहाँ पर मैं इसमें पलट लिया जाएगा, और ये देखिए इस तरीके से इसको पूरे उसमें पूरे बर्तन में जो है अच्छे से फैला दिया है। और इसको अब उठा करके इसमें डाल देते हैं। और इसको भाप में पका लिया जाएगा। ये देखिए दोस्तों, ये भाप में पक गया है, और अब इसको कट करेंगे। थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा क्योंकि अभी अभी निकाला है तो ये बहुत गर्म है, थोड़ा सा ठंडा हो जाए तो फिर इसको जो है कट किया जाए। ये देखिए दोस्तों, इसको हमने पलट लिया है और कितना बढ़िया एकदम निकला है, ज़रा सा भी कहीं से टूटा नहीं है, और बढ़िया हर चीज़ पक गई है। टमाटर है इसमें, आलू है, प्याज है, सब चीज़ पक गया है। ये देखिए दोस्तों, थोड़ा सा कढ़ाई में जो है तेल डाल लिया है, और जीरा और दूसरा क्या चीज़ है, कड़ी पत्ता, बस एक 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 एक। ये देखिए इस तरीके से, ये देखिए इसको जो है इस तरीके से उलट पलट करके फ्राई कर लीजिए। और अगर आपके पास में चीज़ है और पनीर है तो इसके ऊपर ग्रेट कर दीजिए, और खाली इसको रख करके आप इसको जो है चीज़ पिघल जाएगी और ये बढ़िया पिज़्ज़ा की तरह लगेगा आपको। लेकिन हमारे पास में इस समय चीज़ और वो नहीं है पनीर, इसलिए हम लोग इसको जो है सीधे
राई और उससे जीरा से हम लोगों ने इसको फ्राई कर लिया है। ये देखिए दोस्तों, ये इंडियन स्टाइल होममेड पिज़्ज़ा है, घर में बनाया हुआ सूजी और पोहे से बना हुआ पिज़्ज़ा। कितना बढ़िया रंग लग रहा है इसका, कितना बढ़िया लग रहा है देखने में। अभी हमारे पास में चीज़ और पनीर नहीं थी, नहीं तो ये एकदम ओरिजिनल पिज़्ज़ा और इसमें कोई अंतर ही नहीं कर सकता था। तो आप लोग भी बनाइए घर में होममेड पनीर और चीज़ डाल करके, होममेड सूजी और पोहे से पिज़्ज़ा बनाइए और खाइए आप लोग, बहुत टेस्टी लगेगा। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल पेट के खजाना को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे एक लाइक का बटन है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और आप सब लोग इस वीडियो में बने रहे, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और जय हिंद दोस्तों।